नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल स्टोरी में और आपके साथ मैं हूं शरीफ। बात चीन की चालबाजी की करेंगे, जो बातचीत और व्यापार की आड़ में घुसपैठ की नाकाम कोशिश में लगा हुआ है। बाल सुशांत केस में रिया से सीबीआई की मैराथन पूछताछ की करेंगे। रिया अब फंसती हुई कैसे नजर आ रही है, साथ ही बात देश और प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मचे हाहाकार की होगी। दिखाएंगे परीक्षा के लिए सपा का सड़क से लेकर संसद तक किस तरह से सामने आया सियासी संग्राम। तो एलएसी विवाद को लेकर चीन ने एक बार फिर से धोखा किया है। ईस्टर्न लद्दाख इलाके में पेंगोंग झील के पास चीनी सैनिकों ने फिर घुसपैठ की कोशिश की और समझौते को तोड़ने का प्रयास भी किया, जिसे भारतीय जवानों ने कैसे नाकाम कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले कुछ समय से भारत चीन के बीच गलवान को लेकर जो कुछ चल रहा था वो चालबाज चीन के एक फुल प्रूफ प्लान का हिस्सा था। घाटी में बड़ी घुसपैठ को लेकर उसने एक सोची समझी साजिश थी, जिसके लिए तनाव को मई जून से शुरू कर दिया था। कभी अंदर तो बाहर जाने की नाटक करना, तो कभी बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की रणनीति अपना रहा था, तो कभी कमांडर स्तर की बात का पाशा फेंक रहा था। लेकिन इस सब के पीछे उसकी पूरी योजना अलग थी। चीन की इस पूरी योजना को समझने के लिए चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए गलवान का पूरा विवाद समझाते हैं। दरअसल घाटी में एलएसी लेक से होकर जाती है, जिसके कारण मार्किंग सही और सटीक नहीं हो पाती। हालांकि समस्या को हल करने के लिए नुकीले पहाड़ों की मार्किंग की गई है, जिन्हें फिंगर नाम दिया गया है, जो कि इनकी कुल संख्या फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8। अब इसमें फिंगर 4 तक के हिस्सों पर तो भारत का कब्जा है और भारत ये दावा करते हैं कि उसका अधिकार फिंगर 8 तक है, जबकि जो लाल हिस्से वाला इलाका है वो चीन के कब्जे में है और चीन ये दावा करता है कि उसका अधिकार फिंगर 4 तक है। ऐसे में विवाद जो है वो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का है, जहां दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। इसी विवाद को बढ़ावा देते हुए चीन ने 15 से 16 जून की रात चीनी सिपाहियों ने कारों की तरह भारतीय जांबाजों पर हमला किया था, जिसका विवाद अभी हल भी नहीं हुआ था कि गलवान के पेंगोंग तोत्सो में भारत और चीन के बीच जारी तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। दरअसल 29-30 अगस्त की रात को चीन की सेना ने ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख इलाके में 100 से 200 नहीं बल्कि करीब 500 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ कर कैंप लगाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने चीनी सेना की इस हरकत को पहचाना और कोशिश को नाकाम कर दिया। चीन को पता है कि हम लोग हिचकिचा रहे हैं, चीन को दिखाई दे रहा है, तो ये जब बात आती है तो चीन इसका फायदा उठाता है। माइंड यू, फौज हमारी तैयार है, फौज में कोई कमी नहीं है, फौज को इंस्ट्रक्शन देने की बात है। हर बार की तरह इस बार भी चीन के विदेश मंत्रालय ने हालात से अलग बयान दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है, बॉर्डर पर मौजूद चीनी सैनिकों ने एलएसी को पार नहीं किया, दोनों देशों के बीच इस मसले को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि चीन का जो भी कहना हो, जो भी दलील हो और दावे हो, लेकिन भारत चीन की चालबाजी को समझ चुका है, उसकी नाकारेपन की हरकत को भांप चुका है, लिहाजा एलएसी में सेना की गश्त को बढ़ा दिया गया है और लद्दाख के एलजी दिल्ली में गृह राज्य मंत्री से मुलाकात कर आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
विवादों के बीच चीन जहां अपनी सीमाओं में J20 की उड़ान भर रहा, वहीं भारतीय सेना भी राफेल को उड़ाने की तैयारी में। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भारत का लड़ाकू विमान चीन के J20 को पटखनी दे रहा है। राफेल लड़ाकू विमान भारत की सैन्य ताकत को दोगुना कर चुके हैं। एशिया में भारतीय एयरफोर्स की धाक पहले से है। राफेल जुड़ने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। ये एयरक्राफ्ट भारत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक ऑल वेदर एक्सेस देगा। ये एयरक्राफ्ट भारत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक ऑल वेदर एक्सेस देगा। चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर इसकी तैनाती से भारत का एयर डिफेंस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। भारतीय राफेल के मुकाबले चीन का चेंगदू J20 और पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमान है, मगर ये दोनों ही राफेल के मुकाबले थोड़ा कमतर मालूम होते हैं। आपको बता दें कि राफेल और J20 दोनों ही सिंगल सीटर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं, जहां चीनी J20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर का है, तो वहीं राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। चीन J20 का यूज दुश्मन पर नजर रखने के लिए करता है। राफेल को निगरानी के अलावा सोर्टेज और अटैक में भी आसानी से यूज किया जा सकता है। राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया, जो इसे चीनी J20 पर थोड़ी बढ़त देगा। चीन का J20 विमान राफेल के मुकाबले भारी है। राफेल जहां अधिकतम 24,500 किलो वजन कैरी कर सकता है, वहीं J20 34,000 किलो से लेकर 37,000 किलो वजन ले जा सकता है। राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर है, जो J20 से कहीं ज्यादा है। J20 की बेसिक रेंज 1,200 किलोमीटर है, जिसे 2,700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही लड़ाकू विमान अपने साथ साथ 4 मिसाइल ले जा सकते हैं। दोनों की टॉप स्पीड भी लगभग एक जैसी 2100 से 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। J20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच होती है। इसकी ऊंचाई 4.45 मीटर और विंग स्पैन 12.88 से 13.50 मीटर के बीच है, जबकि राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। वहीं राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ान के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैनूवरिंग में आसानी होती है। चीन के J20 में इंटरनल कैनन लगा है। इसमें AESA रडार लगा हुआ है, जो ट्रैक सेंसर से लैस है। चीन का दावा है कि इसमें पैसिव एल्कोटो और ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम भी है, जिससे पायलट को 360 डिग्री कवरेज मिलती है। इस विमान से चीनी मिलिट्री सैटेलाइट और कई ड्रोन्स का डेटा एक्सेस किया जा सकता है। चीन इसमें PL-15 मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। इस मिसाइल में जो रडार है उसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके मुकाबले भारत में राफेल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होकर आएगा, यानी बिना टारगेट प्लेन को देखते ही उसे उड़ाया जा सकता है। राफेल में एक्टिव रडार सीकर लगा हुआ है, जिसे किसी भी मौसम में जेट ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है।
स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती हैं। इसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर होती है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। इधर सुशांत सुसाइड केस को लेकर सीबीआई की मैराथन पूछताछ जारी। रिया लगातार बचाव पर बचाव कर रही, लेकिन जैसे ही सीबीआई ने रिया से रिया के जवाबों को ही सवाल बनाना और पूछना शुरू कर दिया, रिया आग बबूला हो। रिपोर्ट देखिए। अपने ही बुने जाल में फंसी रिया। सीबीआई के सवालों से रिया कंफ्यूज। सुशांत केस में सीबीआई को बड़ा क्लू। सुशांत सुसाइड केस में हर दिन एक नया चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है, जिससे लगता है कि केस अब सुलझने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगले ही पल वो उलझने लगता है। हर गुत्थी इस केस में बुरी तरह फंस चुकी रिया के इर्द गिर्द उलझी रहती है। केस से जुड़े हर पहलुओं की मैराथन पूछताछ में सीबीआई को तीसरे राउंड में बहुत बड़ा क्लू मिला है। ये क्लू केस को कितना अहम और महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि इस क्लू के बाहर आते ही रिया अपना टेम्पर खो बैठती हैं और सीबीआई के सवालों से खिसिया जाती हैं, बौखला जाती हैं। रिया इस कदर परेशान हो जाती हैं कि सीबीआई के किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय भड़क उठती हैं। दरअसल रिया ने अपने बचाव के लिए जिस चक्रव्यूह की रचना की, वो मोटी मोटी लेयरों की मदद से जकड़ गया। अलग उसको समझा जाए तो सुशांत काफी समय से डिप्रेशन में थे, वो तो हर तरह की दवाएं भी खुद लेते थे। यहाँ तक कि जब वो यूरोप टूर पे गए थे तो उनका ब्रेक डाउन हुआ, वो 3 दिनों तक घर में ही बैठे थे। रिया का कहना है कि सुशांत के साथ लिव इन रिलेशन में थी और झगड़ा होने के बाद 8 जून को घर छोड़ दिया था और उनकी बहन नीतू उनके साथ रहने के लिए आ गई थी, जबकि सुशांत की मौत 14 जून को हुई। सीबीआई रिया के जवाबी किले की दीवार को तोड़ने के लिए इर्द गिर्द सवाल दर सवाल पूछ रही है और दूसरे गवाहों के बयानों से मैच कर क्रॉस सवाल किए जा रहे हैं, जो रिया को परेशान कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस रिया सीबीआई के कैसे सवालों से झल्ला रही है। सुशांत की दिमागी हालत कैसी थी? क्या सुशांत ने पेनलेस डेथ की चर्चा की थी? सुशांत बीमार थे तो घर से क्यों गई? खुद को कितना जिम्मेदार मानती है? आप साइंटिफिक टेस्ट के लिए तैयार हैं? इन सवालों का मतलब साफ है कि रिया सीबीआई को सीधा सच नहीं बता रही है और वो जवाबों की जलेबी बना रही है। लिहाजा सीबीआई सच जानने के लिए साइंटिफिक टेस्ट करवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर जेईई नीट परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया। परीक्षा में भले ही कितने ही दिन शेष बचे हों, लेकिन छात्रों का विरोध और विपक्ष का बवाल जारी है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में जेईई और नीट की परीक्षाओं का भले ही काउंटडाउन शुरू हो गया हो, लेकिन विरोध थम नहीं रहा। परीक्षा को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों अलग अलग तरीकों से विरोध दर्ज किया जा रहा है। कहीं हाथों में तख्ती लेकर विरोध जताया जा रहा तो कहीं बीच सड़क हंगामा काटा जा रहा। लखनऊ में जेईई और नीट परीक्षाओं को कैंसिल करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।
दरअसल विरोध दर्ज करने के लिए अचानक समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता राजभवन पर प्रदर्शन करने पहुंच गए, लेकिन प्रदर्शन की भनक पाकर पुलिस बल भी पहले से मौके पर मुस्तैद था। जैसे ही सपा कार्यकर्ता राजभवन के सामने पहुंचे, पहले तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र जबरन राजभवन तक पहुंचना चाहते थे, जिस पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने लाठी चार्ज कर कुछ प्रदर्शनकारियों को तो खदेड़ दिया और कुछ को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं रोक पा रहे हैं, कोरोना महामारी में नहीं लड़ पा रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं। अगर फीस वृद्धि को लेकर के नेट की परीक्षा ना हो महामारी में, अगर इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी अगर ज्ञापन देने आती है, तो पुलिस का ये जो चेहरा सामने आया है, ये असलियत में पुलिस का चेहरा नहीं है, ये योगी सरकार का चेहरा है। सपा ही नहीं, देश भर में परीक्षा का विरोध को लेकर दो फाड़ नजर आ रहा है, जिसमें कांग्रेस समेत 6 से ज्यादा राज्य और कुछ यूनिवर्सिटीज भी विरोध कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की राह तक देख लिया गया, लेकिन सरकार की मंशा के मुताबिक परीक्षा पर ना तो कोई रोक लगी ना ही बदलाव किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर देश और प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नदियों के उफान से हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि गांव के गांव पलायन को मजबूर हो गए। रिपोर्ट देखिए। देश और प्रदेश में पानी के कहर की एक दो नहीं कई तस्वीरें। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन से कई जगहों पर रास्ते बाधित हो रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की नींद गायब कर दी। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ सब कुछ डुबाती जा रही है और लहरों का रौद्र स्वरूप ऐसे जो कि जग में आ रहा है, पानी की गोद में समाते जा रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात की बताई जा रही हैं। भारी बारिश के बाद नदी नाले बेरोक टोक बहने लगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहा है। लहरों की रफ्तार देखिए, पुल पार कर रही कुछ भैंस जैसे ही डिसबैलेंस हुई, लहरों के साथ बह गई। गुजरात के भारूच के शहर का हाल देखिए। नर्मदा नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि तट पर बसे दर्जनों गांवों में बाढ़ आ गई। भारूच के फुर्जा और डांडिया बाजार क्षेत्रों में सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। राजस्थान के जिला जैसलमेर को देखिए, भारी बारिश के बाद पानी नहर और बांध को तोड़कर गांव में घुस गया है। पूरा इलाका पानी पानी हो गया है, इसको बचाते हैं। इधर काशी में गंगा और वरुणा नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। अनुमान है कि एक या दो दिन में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। हालात ऐसे हो गए हैं कि घाटों की जगह नालियों में दाह संस्कार हो रहे हैं। कारण यही था कि कुछ तो गलत तरीके से बांध भी रहे थे, इसलिए रोका गया। और उसके बाद में जो राहुल ठेकेदार थे, कहीं कहीं काम हुआ कहीं नहीं हुआ, बीच बीच में काम छोड़ छोड़ करके इन्होंने काम करवाया और काम वैसे अधूरा के अधूरा पड़ा रह गया, उसमें फिर कोई काम नहीं हो पाया फिर आज तक। ठेकेदार का तो साहब हमको मालूम नहीं है कौन ठेकेदार है, लेकिन तो पानी देख रहे हैं साहब चारों तरफ से भरा हुआ है और बंधा 250 किलोमीटर नहीं बना हुआ है और बंधा उधर को जाने नहीं लगा हुआ है। ये तो कोई टापू नहीं बल्कि बस्ती का कल्याणपुर है जो इन दिनों सरयू की मार झेल रहा है। गांव के गांव पानी की मार झेल रहे हैं। मदद का इंतजार करते लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बांध में इस वर्ष ही हमारा बीजी में केशवपुर गांव के आसपास का बंधा बनाया गया है। पूर्व में केशवपुर बंद न होने की वजह से पानी पूरा केशवपुर गांव को और यहां तक नेशनल हाईवे के पास तक आ जाता था। काफ़ी बड़ी आबादी और फसली क्षेत्र प्रभावित होता था, उसके बन जाने से वो काफ़ी
ज़्यादा उसमें बचाव हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य बांध है वो बांध हमारा सुरक्षित है। अमरोहा में शाहजहांपुर छात के किसानों की खेती इस साल बाढ़ की बलि चढ़ गई। किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन प्रशासन मदद तो दूर, दर्द बांटने के लिए भी नहीं पहुंचा। उधर फरुखाबाद में बाढ़ ने मासूम बच्ची की सासों को पानी में दबा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन की बद इंतजामी का कसूरवार बनाते हुए हल्ला किया, लेकिन समस्या में कोई खास सुधार नहीं हुआ। हाँ, मौसम विभाग जरूर नदियों के तटीय लोगों को आगाह कर दिया, क्योंकि नदियों का जलस्तर अभी और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर आगरा में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर शव जलाने का प्रयास किया गया। घटना हतमादौला के नगला किशनलाल इलाके की है। मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। आगरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या, पति पत्नी और बेटे को जिंदा जलाया। आगरा में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घनी बस्ती के बीच एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर उनके शव जलाने के लिए उसमें आग लगा दी गई। सोमवार की सुबह तीनों के शव जली अवस्था में घर के अंदर मिले। मरने वालों में पति पत्नी और जवान बेटा शामिल है। बांध के मारे बबलू का मुंह में चाय और बबलू के हाथ बांधे पीछे और बबलू को रोकरा के हाथ बांधे। किसी से कोई रंजिश, कोई झगड़ा जो कोई हमारी कोई रंजिश नहीं थी। सुबह के बजे मालूम पड़ा आपको? भैया सुबह मालूम पड़ी 4 बजे करीब मारे। बाहर के तीन व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। तत्काल हमारे सभी अधिकारी एसएसपी साहब पहुंच गए, एसपी सिटी पहुंच गए। तीन व्यक्तियों की हत्या हुई है और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। किन परिस्थितियों में हत्या हुई है इसकी जांच का विषय है। इसकी जांच शुरू हो गई है और कुछ ऐसे सुराग मुझे हमें मिले हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण होगा। ये आंसू इस परिवार के अपनों के हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि पूरे परिवार को कितने दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। जब पुलिस इस हत्या के मामले की जांच करने लगी तो ये सामने निकल के आया कि इस परिवार के मृतक को नौकरी दिलाने के नाम पर एक रिटायर्ड फौजी ने 12 लाख रुपए लिए थे और नौकरी नहीं दिलाई। पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है। अनावरण करने के लिए हमने 5 टीमें बना ली है, जिसमें हमने क्राइम ब्रांच की और एसओजी की और सर्विलांस की टीमें भी लगाई है। साथ ही साथ जो है थाना एतमादौला के अलावा थाना छत्ता, थाना न्यू आगरा, थाना हरी पर्वत, इन सभी के थाना प्रभारियों को और सिकंदरा के थाना प्रभारियों को लगाया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया है और जल्द से जल्द घटना के अनावरण करने की बात कह रही है। लेकिन घनी बस्ती में हुए इस तिहरे हत्याकांड ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फोरेंसिक टीमें लगा के सारे एविडेंस जुटाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के सामने बड़ी चुनौती इस हत्या के खुलासे को लेकर है। अनुपम पांडे, आगरा, भारत समाचार। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आए। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सच्ची सहेली सच्ची सहेली सच्ची सहेली, कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी 9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा, देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष का।